बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट पेयर कप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कप्स के अलावा इसको प्लेट पे भी सर्व किया जा सकता है। तो चलें किचन में चलते हैं ये यमी सी डिज़र्ट बनाने के लिए। दो अंडे और एक कप लाइट ब्राउन शुगर को 5 मिनट तक बीट करना है। 5 मिनट के बाद 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबलस्पून मोलेसेस, 2 टेबलस्पून सावर क्रीम, 1/2 कप मिल्क, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल 1/2 कप, इन सबको मिलाना है। 1/2 कप कोको, 1.5 कप केक एंड पेस्ट्री फ्लावर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। केक फ्लावर 2-3 बैचेस में डालना है, एकदम से नहीं डालना। बेकिंग पैन 9x9 इंचेस का है और इसको मैंने बटर के साथ ग्रीस किया है। पेयर्स के छिलके उतार लेने हैं और इनके स्लाइसेस काट लेने हैं। सीड इसका निकाल लेना है। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, वाइट विनेगर 1/2 टीस्पून। ओवन को मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कन्वेक्शन बेक पर स्टार्ट किया हुआ है। टैप कर लेना है, स्लाइसेस इसके ऊपर रखने हैं। बेकिंग टाइम 40 मिनट्स हैं। पेयर सॉस बनाने के लिए मैं ये 3 पेयर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी 1/2 कप, 2 टेबलस्पून लाइट ब्राउन शुगर, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टेबलस्पून। मीडियम हीट पर अब इसको पकाना है। कुकिंग टाइम 10 मिनट है। ब्लेंड कर लेना है। ठंडी होके सॉस थिक हो जाएगी। इन 2 पेयर्स के छिलके उतार कर इन्हें चंक्स में काट कर ब्लू कलर के साथ 3 से 4 मिनट तक पतीली में रखकर टॉस करना है, पकाना नहीं है। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, चॉकलेट चिप्स 1/2 कप, बटर 1/2 टेबलस्पून, लाइट ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून, कॉर्न सिरप 1 टेबलस्पून। कुकिंग टाइम 5 मिनट है इसके लिए। केक को पेयर्स की शेप के मुताबिक काटना है। प्रेजेंटेशन के लिए कप्स के बजाय प्लेट भी इस्तेमाल की जा सकती है।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।